Oh shit, man. Oh shit, man. आपने देखा कैमरे में? आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दो, और साथ में जो आपको घंटा दिख रहा होगा येलो कलर का, आप उसको प्रेस कर दो ताकि जो मेरी नई वीडियो आएंगी तो वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रात को कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ गुड़गांव, मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो उसने मेरे को इन्विटेशन दिया है। तो मैं मिस ब्लैकी पे निकला हूँ। हरियाणा में जीटी रोड पे भी दिन रात के अंदर आपको लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हरियाणा है। जैसे हम दिल्ली में घुसेंगे तो लाइट आप लोगों को दिख जाएगी। जल्दी झुंड बना के क्रॉस कर रहे हैं सब। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक तो मेरे को मेरी बाइक का पता चलेगा, क्योंकि जयपुर से मैं जब से आया हूँ अप्रोक्स 15-16 दिन हो गए हैं, तो तब से मैंने इसको बिल्कुल एक बार भी स्टार्ट नहीं किया है। तो जब से मैंने इसको एक बार भी स्टार्ट नहीं किया है तो इसको घुमाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका जो इंजन में जो ऑयल होता है वो जमे ना, क्योंकि वो यूज़ नहीं होगा, ऐसे पड़ा रहेगा तो वो जम जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है बाइक के अंदर। तो इस हाथी को चलाना पड़ता है, वरना ये इसके घुटने जाम हो जाते हैं। तो दूसरा रीज़न ये है मेरा ये ब्लॉग करने का, कि जो मैंने एक राइड करी थी वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पे मैंने SJ कैम परचेज़ करा था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई थी। मैंने स्टार्टिंग में ही लिया उसको और मेरी सबसे पहली राइड थी वो, उसी में बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को मिली SJ कैम में। तो एक सेकेंड, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को मिली। तो वो मेरी जो राइड थी वो चितकुल की राइड थी। आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर रहे होगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं वहाँ रिसेंटली अभी होके आया था। तो उसमें ऑडियो नहीं मिल रही थी, कहीं मैं उसको चालू कर रहा था तो वीडियो नहीं बन रही थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। आप ये बोल सकते हो डिफेक्टेड पीस था, तो वो ऐसे ही रखा हुआ, वो कभी कभी ना कभी सफ़ेर में मेरे लिए काम आएगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा मेरे लिए। तो ये प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैंने अपना GoPro Hero 6 ले लिया, तो ये प्रॉब्लम तो मेरी ख़त्म हुई। दूसरा, मेरे को जो राइड, वो मेरी राइड थी 4 दिन की, तो उसमें मेरे को पता चला कि राइड के टाइम पे कि मेरे को क्या क्या अपने साथ कैरी करना चाहिए, क्या क्या मेरे को अपने साथ कैरी करना चाहिए जिससे मेरी राइड सही जा सके। क्योंकि राइड के साथ साथ हम, क्योंकि हम कभी भी लंबी राइड करेंगे तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो हमारी जो यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं वो हमारे साथ नहीं होगी तो हमारी राइड बिल्कुल ही एकदम डेंजरस हो जाती है। तो ये मेन चीज़ होती है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है उस राइड से, जो मेरी 4 दिन की सबसे बड़ी राइड वो मेरी थी। तो अभी जो मेरी नेक्स्ट राइड होने वाली है वो 7 से 8 दिन की होने वाली है, तो वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा कि वो राइड मेरी कब है। तो उस राइड के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को परचेज़ भी करनी है, और मेरे को अपनी बाइक में भी उस हिसाब से उनको सेट करना है, और जो मेरी बाइक में कमियां हैं जो मेरे को महसूस हुई हैं लंबे टाइम चलते टाइम, एक तो मेरे को सीट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इनका भी मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन करने वाला हूँ। तो जो मेरे को वहाँ पे चीज़ें फेस हुई हैं वो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि जो मेरा वोडाफोन के, मेरे पास 2 सिम हैं तो दोनों सिम मेरी वोडाफोन की हैं, जो कि दोनों वहाँ पे काम ही नहीं कर रही थी। मेरे को इंटरनेट तो मिल ही नहीं रहा था, वॉइस कभी कभी आ रही थी कभी जा रही थी, ये बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को फेस कर रही थी। तो उसके लिए मेरे को एक DSNL की सिम, या फिर मे बी जियो भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जियो में या फिर BSNL में मैं एक अपनी सिम को कन्वर्ट करा लूँ, ताकि मैं कहीं पे भी राइड पे जाऊँ तो मेरे को ये प्रॉब्लम फेस ना हो। मैंने बारिश में राइड करी, काफ़ी ज़्यादा रेन थी, तो
मेरे को मेरे जो जैकेट थी वो तो उसमें तो रेनकोट था, बट जो मेरी पैंट है, जो मेरे शूज़ थे वो पूरे गीले हो चुके हुए थे, और मेरे ग्लव्स भी, ये आप जो देख रहे हो यही वाले ग्लव्स थे, तो ग्लव्स भी मेरे को लेने हैं जो वाटरप्रूफ है, मेरे को एक पैंट भी लेनी है, एक शूज़ भी लेना है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो ये मैं परचेज़ कर लूँगा तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, बट ये मैं धीरे धीरे परचेज़ करूँगा क्योंकि राइडिंग शूज़ और पैंट जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं, तो अभी इतना बजट है नहीं क्योंकि मेरा सारा बजट मेरे कैमरों पे लग चुका है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो मेरे को वहाँ पे हुई हैं, कुछ मेरी बाइक की चीज़ें हैं कि मेरे को एक अपनी बाइक की क्लच की तार मेरे को हमेशा स्पेयर में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले इसकी प्यास बुझा देते हैं, इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं ये जो मेरे को आगे नहीं होने देनी है, क्योंकि मैं लंबी राइड करूँगा तो ये चीज़ें मेरे को फेस ना हो, काफ़ी अच्छी मेरी राइड जाए। दूसरा, मेरे को बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करनी है, जस्ट लाइक पावर बैंक और एक एक्स्ट्रा बैटरी मेरे गोप्रो की, जिसको मेरे को ब्लॉग करने में काफ़ी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसकी बैटरी एक घंटा सवा घंटा ही चलती है आप इसको लगातार यूज़ करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम है। बाकी आप इन्जॉय करिए इस म्यूज़िक के साथ, मेरा गुड़गांव तक आप लोग मेरे साथ हो। पता चल रहा है कि हम दिल्ली में हैं, उससे पहले पता ही नहीं था कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो हरियाणा इस चीज़ में बहुत पीछे है अभी सड़कों पे लाइट वगैरह के इशू में, तो मोदी जी कुछ कराओ, हर जगह आप ही की सरकार है, हमारे एरिया में तो कांग्रेस है ही नहीं, खट्टर जी हैं, खट्टर जी कुछ कराओ, रोडों पर लाइट लगवाओ ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। प्रवेश के बर्थडे पे, सो उसका बर्थडे मनाने के लिए यहाँ पे होटल श्रोटल में, तो काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ आ सकते हो नाइट में भी डे में भी, काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो चारों तरफ कितना अच्छा व्यू है, रात को भी कितना अच्छा व्यू आता है। सो मैं यहाँ पे थोड़ी बात फोटोग्राफी कराने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ कि कैसा ये लगता है।
देखिए मेरा यहाँ पे लोगो। पहली प्रॉब्लम मेरी बाइक में जो मेरे को जयपुर जो मेरा लास्ट दिन था उस दिन से मेरे को महसूस हो रही है, मेरी बाइक पर किलोमीटर 3 रुपये का पेट्रोल ले रही है। अभी लास्ट टाइम जो मेरी गलती रही, मैंने एक्चुअली जल्दबाजी में बाहर से सर्विस करा दी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने शाम को सुबह मेरे को टाइम नहीं लगा तो शाम को मेरे को किसी अननोन बंदे के पास बाहर से ही मैंने सर्विस करा ली। तो अभी जो मेरी राइड होगी उससे पहले मैं अच्छे से अपनी बाइक को चेकअप करवाने वाला हूँ ताकि ये सब प्रॉब्लम मेरी बाइक में बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाए और मेरे को मेरी राइड में कोई प्रॉब्लम ना मिले। चलो भैया, बहुत लेटवा हो गए हैं हम। ओह शिट मैन, आपने देखा कैमरे में कि इसने इतना ज़्यादा लोड हो रखा था, इसने ऐसे करा तो वो ऐसे झुक गया इसका टर्क। ये कितने डेंजर चलाते हैं यार ये, इतना ओवर लोड करके, और पुलिस वाले भी इनसे पैसे लेके इनको एंट्री दे देते हैं। अब देख रहे हो ये ट्रक कैसे चल रहा है, मतलब ड्राइवर की भी हद होती है कैसे इसको चला रहा है वो, किसी को भी चोट लग सकती है। अभी मैं इस राइड को यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि मेरे को घर जाके बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मेरे को सोना है, रेस्ट करना है और आपके लिए व्लॉग भी तैयार करना है। अभी के लिए बाय बाय, और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी जो नई वीडियो आने वाली है वो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय बाय दोस्तों।